हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर टू में जो सेक्शन 2.3 है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, उनके नीचे जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं पेज 19 पे, उन क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। तो मैं इनका आंसर ब्रीफली बताऊंगा, थोड़ा बहुत आप खुद ट्राई करिए पता करने के लिए कि ऐसा क्यों है। तो उस क्वेश्चन नंबर वन में आते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज। तो कुछ चेंजेस के बारे में उन्होंने बता रखा है, कितने एग्जांपल्स हैं, 7-8 एग्जांपल्स हैं, आपने बताना है कि वो चेंज क्या, फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। तो मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था कि फिजिकल चेंज का मतलब सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, कोई नई सब्सटेंस नहीं बनेगी। अगर केमिकल चेंज है उसमें केमिकल रिएक्शन होगा और कोई नई सब्सटेंस बनेगी। तो आ जाते हैं पहले कटिंग ऑफ ट्रीज। कटिंग ऑफ ट्रीज, तो पेड़ को जब हमने काटा तो कोई नई चीज नहीं बनी, तो ये फिजिकल चेंज है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा इसमें, हम पेड़ को काट रहे हैं। मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन, मेल्ट करना मतलब वही एग्जांपल, लिक्विड आइस को हमने मेल्ट किया, पानी बना, तो फिजिकल चेंज है, ये भी फिजिकल चेंज है क्योंकि बटर ही रहेगा, लिक्विड फॉर्म में भी वो बटर ही रहेगा, तो ये भी फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ एलमीरा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको क्लास 7 में भी समझाया था, रस्टिंग एक केमिकल चेंज होती है, जो आयरन होता है वो एयर और ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन से नया कंपाउंड बनता है आयरन ऑक्साइड। आपने देखा होगा रस्ट लगता चीजें एक रेडिश सा पाउडर या ब्राउनिश पाउडर बन जाता है, वो ब्राउनिश पाउडर क्या होता है, नया सब्सटेंस होता है आयरन ऑक्साइड, जो आयरन से डिफरेंट है, तो ये केमिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, तो इसका आप आंसर खुद देखिए क्या होगा, हमने पानी को उबाल के स्टीम बनाया, मतलब गैस बनाई, तो ये बॉइलिंग ऑफ वाटर भी फिजिकल चेंज है क्योंकि सिर्फ वो लिक्विड से गैस बनेगा। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर ब्रेक्स डाउन और नई सब्सटेंस बनती है। वाटर को हमने करंट पास किया तो एक बना हाइड्रोजन और दूसरा बना ऑक्सीजन, तो ये अलग एलिमेंट्स हैं, ये अलग कंपाउंड है, तो ये केमिकल रिएक्शन होगा, नया सब्सटेंस बना क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग गैसेस हैं जो पानी से भिन्न हैं। डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, पानी में नमक गोला तो नमकीन पानी हो गया, लेकिन कोई नई चीज नहीं बनी, तो वो भी हो जाएगा फिजिकल चेंज, चीनी मिलाए पानी मिलाए फिजिकल चेंज। मेकिंग अ फ्रूट सैलेड, तो मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था, अगर आप सेब को काट के दो भाग कर देते हो उसी भी रहता है, सिर्फ उसका साइज चेंज हो गया, शेप चेंज हो गई, तो सैलेड, फ्रूट सैलेड मतलब अलग अलग फ्रूट को काट के हमने बनाया, केला काट दिया, सेब काट दिया, अमरूद काट दिया, एक चाट सी बना ली, तो वो वही रहेगा, केला केला ही रहेगा, अमरूद अमरूद ही रहेगा, तो ये भी फिजिकल चेंज है क्योंकि सिर्फ इसमें शेप और साइज चेंज हो रहा है, कोई नई सब्सटेंस नहीं बन रही। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर वन, और भी इसमें कोई देख लेते हैं। हाँ, बर्निंग अ पेपर, बर्निंग अ पेपर और वुड, बर्निंग ऑफ पेपर और वुड, तो ये हमने क्लास 8 में ही सीखा था कि बर्निंग एक केमिकल रिएक्शन होता है, जब कोई चीज़ जलती है मतलब एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें हीट और लाइट पैदा होती है, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी पैदा होती है और साथ में नए सब्सटेंस बनते हैं। लकड़ी को जलाएंगे तो राख बनेगी, पेपर को जलाएंगे राख बनेगी, स्मोक निकलेगा जो मतलब गैसेस निकलेंगी, और लाइट और हीट, तो ये केमिकल
केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल चेंज, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर टू पे। सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। सेग्रीगेटिंग वर्ड का मतलब होता है अलग करना, सेग्रीगेटिंग। मान लीजिए यहां पर बहुत सारी चीजें पड़ी हैं अलग अलग प्रकार की, कोई प्लास्टिक की, कोई मेटल की। मैं प्लास्टिक की चीज इधर कर देता हूँ, मेटल की उधर कर देता हूँ, अलग कर देना, ठीक है। एक ग्रुप में बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के, हम कहते हैं लड़के इधर आ जाएं, लड़कियां उधर हो जाएं, तो सेग्रीगेटिंग अलग करना। तो कहते हैं कि आपने क्या करना है कि आपके आसपास जो चीज़ें हैं उनको देखना है कि उनमें कौन सी मिक्सचर है और कौन सी प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस मतलब जो एक ही प्रकार के पार्टिकल्स की बनी होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, सॉल्ट, सॉल्ट एक ही प्रकार के पार्टिकल का बना होता है, ये प्योर सब्सटेंस है। शुगर, ये भी प्योर सब्सटेंस है। आपके घर में कोई लोहे की चीज़ है, आयरन आयरन आइटम है, वो भी प्योर सब्सटेंस है। लेकिन अगर कोई चीज़ दो से अधिक पार्टिकल की बनी हुई है जो अलग हैं, मिले हुए हैं लेकिन अलग हैं, जैसे दाल में आप चावल मिला दो तो मिक्सचर है, उसमें दाल भी है चावल भी है, लेकिन दाल की नेचर अलग है और राइस की भी नेचर अलग है, उनको आप सेपरेट कर सकते हो हैंड पिकिंग से। तो आपके आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मिक्सचर्स हैं या जो प्योर सब्सटेंसेस हैं, ये खुद आप एक्सपेरिमेंट थोड़ा दिमाग लगा के करिए। और किसी चीज़ में आपको दिक्कत लगती है उसका आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें भी, ये आइटम के बारे में अगर आपको डाउट है तो उस आइटम का मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रयास खुद करिए। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर के क्वेश्चंस पूरे हो गए। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो उसकी एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइजेस के कितने क्वेश्चन हैं, 12 क्वेश्चन हैं, वो हम अलग वीडियो में करेंगे। और हो सकता है सारे क्वेश्चन एक वीडियो में ना करें, या दो या तीन वीडियो भी बना सकते हैं, ओके। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।